हे गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज शिल्पा सरोज। सो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा अभी अफवाह चल रहा है यूट्यूब पे, जैसे कि आपने देखा होगा कि एनसीएल में वैकेंसी कब आएगी, आखिर कब आएगी वैकेंसी। तो इस मामले में बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे बहुत ही ज़्यादा चर्चा चल रहा है। सो इसमें ये जानना ज़रूरी है इस वीडियो में कि आखिर वैकेंसी आई क्या या आ गई क्या। बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न है, वो कन्फ्यूज़न ज़रूर दूर होना चाहिए। सो बेसिकली अभी जो है एक नोटिफिकेशन आया है एनसीएल अपने तरफ से निकाली है। वो क्या है कि वैकेंसी जो है वो ये है कि पोस्ट है ड्रगलाइन ऑपरेटर, डोजर ऑपरेटर, रेडर ऑपरेटर और है भाई सरफेस माइनर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि 360 सीट हैं, ठीक है, 307 मतलब 300 प्लस सीट हैं और ये इंटरनल वैकेंसी है, ये समझिए, ठीक है। ये मतलब आउटसाइडर्स के लिए नहीं है। ये लिखा है इसमें कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल सुपर एनुएटेड हेम ऑपरेटर ऑफ एनसीएल। सुपर एनुएटेड मतलब जो रिटायर हो गए हैं उनको ये एनसीएल एक मौका दे रही है कि आप अगर चाहें तो एक साल के लिए, याद रखिएगा, एक साल के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, फॉर एंगेजमेंट अंडर द गाइडलाइन ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड फॉर अवेलेबल द सर्विस ऑफ सुपर एनुएटेड नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉई सर्कुलेटेड वाइड जो लिखा हुआ ऑर्डर नंबर। और ये लास्ट डेट इसका कब है भाई जमा करने का, 31 जनवरी, ओके, 2022। सो आप जो भी है, आप जो करना चाहते हैं, जो भरना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि भाई अपना वैकेंसी कब आएगा, ये तो हो गया भाई कि हाँ समझ में आ गया। मतलब तो इस तरीके से हुआ हो जाता है बात का कि जैसे वैकेंसी आया तो सब बहुत एक्साइटेड, ओ माई गॉड वैकेंसी आ गया, फाइनली इंतज़ार हुआ ख़त्म, वैकेंसी आ गया। बट अलर्ट रहिए, ये वैकेंसी नहीं है, ये इंटरनल वैकेंसी है ओनली, ओके। सो अभी जो वैकेंसी आने वाली है वो आएगी इसी साल आएगी, उसमें कुछ नहीं हो सकता, आएगी, ठीक है। तो तैयारी रखिए अपनी और प्रिपरेशन जारी रखिए अपनी। सो ये है, इस चीज़ से अवगत कराना था आपको। बाकी अगर जो ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये जो भरना चाहते हैं ये इसको भर दीजिए आप लोग फॉर्म। जो भी रिटायर्ड हैं उनके लिए है, तो जो भी इंटरनल होंगे, जिन्होंने जो भी रिटायर हो गए होंगे उनके तक तो न्यूज़ पहुंचेगी ही और वो लोग भरेंगे भी, जिसको चाहिए है, जिसको ज़रूरत होगी, है ना। दूसरा ये है कि अपना वैकेंसी क्यों नहीं आ रहा, मतलब जो फ्रेशर वैकेंसी क्यों नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे समझिए कि और भी बहुत सारे जो वर्कलोड है वो चल रहा है एनसीएल में, उसको बिना कंप्लीट किए तो वैकेंसी निकलेगी नहीं। और वैकेंसी ऐसा तो है नहीं कि मैन पावर ही पूरा चलता चला जाएगा और काम कुछ है नहीं। तो ये सीन है ना कि काम भी होना चाहिए, मैन पावर भी उतना होना चाहिए, सब कुछ देखना है और पहले जो पेंडिंग केसेस है वो भी कंप्लीट करना है, तो वो चीज़ें हैं। दूसरा कि जैसे ये सब सॉर्ट आउट होगा, ऊपर से कोरोना भी आ गया, तो वो सबको मद्देनजर रखते हुए आपका जो वैकेंसी है उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन हाँ वैकेंसी आएगी, ओके। तो तैयारी रखिए और अफवाहों से बचिए। ज़्यादा वीडियो सर्च करने से आपको बहुत सारे वीडियो में ऐसे मिल जाएंगे जो वीडियो आप देखोगे, वीडियो में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उस चीज़ से बचिए आप, ओके। चलिए, मेरा ये मोटिव था बताना आपको कि ओपन वैकेंसी नहीं आई है, ओके। सो इसके लिए निश्चिंत रहिए और अपनी तैयारी रखिए। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जब कोई नया अपडेट आएगा।